नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एलके स्टडी चैनल में। और शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक और उसके बारे में जानते हैं देखिए क्या है। ये जो मैंने कुछ शब्द लिखे हुए हैं यहाँ पे, जैसे सबसे पहला शब्द हम लेंगे, ये क्या है, ये अरावली से संबंधित क्या है, आपके शब्दावली है। जैसे एक्स्ट्रा चीज़ें जो बची है वो मैंने यहाँ पर लिख दी है, ताकि एक एक के बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूँ भाकर। क्या भाकर? ये अरावली से संबंधित चीज़ें हैं जो मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, भाकर क्या है? भाकर एक तरह से यह समझो, भाकर मतलब भाग कर, भाकर मतलब भाग कर। कैसे भाग कर? देखो ऐसे भाग कर, ये चोटी है, जैसे सिरोही में और जालौर में, यहाँ पर जो चोटियाँ हैं कौन सी, जिनसे भाग कर सीधा आया जा सकता है, मतलब जो बिल्कुल तीव्र ढाल वाली जो चोटियाँ हैं उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें कहेंगे आपके भाकर। समझ रहे हैं? भाकर क्या है? एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि पूर्वी सिरोही में तीव्र ढाल वाली चोटियों को क्या कहा जाता है, पूर्वी सिरोही में तीव्र ढाल वाली चोटियों को क्या कहा जाता है, तो आपका यहाँ पे क्या आंसर होगा, उन्हें क्या कहा जाता है, भाकर कहा जाता है। ठीक है, ये तो क्वेश्चन पूछा गया था आपके राजस्थान पुलिस में। देखिए पटवार में क्या क्वेश्चन आया, पटवार में ये क्वेश्चन आया कि रोजा भाकर, इसराना भाकर और आपके झारोल भाकर। कहने तो आपने नाम ही नहीं सुने होंगे कि ऐसे भी कुछ नाम होते हैं। रोजा भाकर, इसराना भाकर, झारुल भाकर, ये कहाँ पर है गुरुजी? ये क्या है? ये भी तीव्र ढाल वाली चोटियाँ हैं, तीनों की तीनों कहाँ पर है, जालौर में है। और इनका क्या पूछा गया था, क्रम पूछा गया था इसके, जैसे 700 मीटर तक इसकी शायद ऊंचाई है और इसकी है 800 मीटर तक इसकी ऊंचाई है और इसकी 500 मीटर तक इसकी ऊंचाई है लगभग। ये मैंने लगभग बताइए, इसमें आपका क्या काम हो जाएगा, इसको आप सेपरेट तरीके से जमा सकते हो। तो ये पूछा गया था, इनका क्रम पूछा गया था। तो भाकर क्या है? भाकर है पूर्वी सिरोही की तीव्र ढाल वाली चोटियों को भाकर कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, ये तो क्या हो गया, भाकर। भाकर से संबंधित बात होगी अपनी, पूर्वी सिरोही की तीव्र ढाल वाली चोटियों को भाकर कहा जाता है। यही मेरे साथ दोहराते चलेंगे आप, भाकर तो पूर्वी सिरोही की चोटियां कहलाती है, तीव्र ढाल वाली। ठीक है, फिर मैं बात करूं गिरवा। गिरवा, गिरवा क्या है? गिरवा की मैं बात करूं तो गिरवा मतलब कि गिर यानी कि गर्दन। गर्दन कैसी होती है? ऐसी होती है अपनी। ठीक है, तो मतलब कि उदयपुर में गर्दन मतलब कि तस्तरी नुमा यानी कि गर्दन की तरह, इस तरह से फैली हुई, किसकी तरह, तस्तरी नुमा फैली पहाड़ियाँ कहलाती है। फैली पहाड़ियाँ उदयपुर में गिरवा कहलाती है। आपको ये ध्यान रखना है कि वो सिरोही में थी भाकर, और जबकि गिरवा कहाँ पर है, उदयपुर में पाई जाने वाली आपके तस्तरी नुमा आकार की पहाड़ियों को क्या कहा जाता है, आपके ये गिरवा कहा जाता है। ठीक है, ओके, ये भी आपको समझ में आ गया, तस्तरी नुमा आकार में फैली गिरवा कहलाती है। ठीक है, फिर मैं बात करूँ देश हरो क्या है? देश हरो की मैं बात करूँ तो हरो मतलब कि देश हरा। क्या? देश हरो मतलब, शब्द का मतलब क्या निकलना है, देश हरा। कैसे हरा? देखो देश हरा से मतलब यह है आपका कि जैसे उदयपुर में एक चोटी बताई थी मैंने आपको, कौन से गुरुजी, जरगा बताई थी। फिर मैं बात करूँ उदयपुर की ही एक चोटी है रागा, मतलब इस जरगा
और इस रागा जरगा और इस रागा के बीच में जो क्षेत्र है हरा भरा उसे क्या कहा जाता है? आपका देसरो कहा जाता है, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? देसरो कहा जाता है। उदयपुर में जरगा और राघा के मध्य स्थित क्षेत्र को क्या कहा जाता है? आपके कहा जाता है देसरो, ठीक है। सबसे पहले मैंने बताया आपको कौन सा, आपका भाकर जो कहाँ पर है, आपका सिरोही में, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि भाकर के बाद में देसरो, देसरो मतलब उदयपुर में जरगा और राघा के बीच का क्षेत्र क्या कहलाएगा? आपका देसरो कहलाएगा, ठीक है। फिर बात की मैंने आपको गिरवा, गिरवा मतलब कि गर्दन, गर्दन मतलब कि तस्तरी नुमा आकार में, उदयपुर में तस्तरी नुमा आकार में फैली पहाड़ियाँ क्या कहलाती है आपके? ये कहलाती है आपके गिरवा, ठीक है। ये उदयपुर की दो बात कर ली हमने, ठीक है। फिर मैं बात करूँ आपके यहीं पे भाकर हो गया, गिरा हो गया, देसर हो गया, अब बात करते हैं भूमट। भूमट एक तो मैंने बताया था आपको भोराट का पठार, बड़ा इम्पोर्टेंट पठार है ये भोराट का पठार, मतलब कि कहाँ से कहाँ तक था ये? कुंभलगढ़ से गोगुंदा तक, कुंभलगढ़ से गोगुंदा तक, महाराणा प्रताप के जन्म से लेकर महाराणा प्रताप के राज्याभिषेक तक या फैला हुआ है। कुंभलगढ़ राजसमंद गोगुंदा उदयपुर, मतलब दो जिलों में यह पठार फैला हुआ है। तो भोराट का पठार ध्यान रखें। अब देखो भूमट क्या है, भूमट ध्यान से समझिए, भूमट क्या है, भूमट, भूमट को समझिए आप, भूमट क्या है। भूमट की मैं बात करूं तो इस वाले क्षेत्र की बात हो रही है, किस वाले क्षेत्र की? इस वाले क्षेत्र की बात हो रही है। इसमें सबसे पहले तो यहाँ पे सिरोही, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ही उदयपुर, और उदयपुर के बाद यहाँ पर डूंगरपुर। इस क्षेत्र की बात हो रही है आपके किस में? इस क्षेत्र की बात हो रही है भूमट में, मतलब कि सिरोही उदयपुर और डूंगरपुर का जो आदिवासी या भील आधिपत्य क्षेत्र जो है उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे आपके भूमट, ठीक है। तो ये भूमट वाला फंडा आपको समझ में आ गया होगा कि भूमट किसे कहेंगे। सिरोही उदयपुर डूंगरपुर का क्षेत्र क्या कहलाता है? भूमट कहलाता है, ठीक है। भूमट आपको समझ में आ गया। सबसे पहले भाकर, उसके बाद गिरवा, उसके बाद देसरो, उसके बाद भूमट। भूमट के बाद में बात करूं मेरवाड़ा पहाड़ियां, मेरवाड़ा, मेरवाड़ा की पहाड़ियां, मेरवाड़ा की पहाड़ियां, मेरवाड़ा सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि किसको कहेंगे मेरवाड़ा। मेरवाड़ा की मैं बात करूं आपके, सबसे पहले तो कुछ लोग तो यही नहीं जानते मेवाड़ कौन सा है, मारवाड़ कौन सा है, ठीक है। ये तो है आपका मारवाड़, कौन सा? जोधपुर, यहाँ पर जोधपुर मेन आएगा, पाली मेन आएगा, जोधपुर पाली। अब इसके आसपास के जिले देख लो आप, सबसे पहले तो यहाँ पे बाड़मेर हो गया, यहाँ पे जैसलमेर हो गया, यहाँ पे जालौर हो गया, यहाँ पे बीकानेर का कुछ क्षेत्र हो गया। तो ये क्षेत्र किस में आता है? था आपके पहले मारवाड़ में, ठीक है, ये आता था आपके मारवाड़ में। और इसी के जस्ट पास में यहाँ पे आपको पता है कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर, और आपका ये इसमें सिरोही भी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बात करूँ मैं चित्तौड़गढ़, और यहाँ पर राजसंबंध का कुछ भाग। तो ये किस में आता है? ये आता है आपका मेवाड़ में। मेवाड़ आप ऐसे ध्यान रखो, मेवाड़ महाराणाओं की भूमि क्या कहलाएगा? मेवाड़। और राठौड़ों की भूमि क्या कहलाएगा? मारवाड़, ठीक है। यहाँ पे कौन हुए हैं? राठौड़। और यहाँ पे कौन हुए हैं? राणा। राणा कौन? महाराणा प्रताप, ठीक है। तो देखिए मेवाड़ और मारवाड़, मेवाड़ और मारवाड़ के बीच का ये जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, यहाँ पर, यहाँ पर इसे कहा जाता है मेरवाड़ा। क्या कहा जाता है? मेरवाड़ा। आपको पता है अजमेर मेरवाड़ा का जो विलय है वो लास्ट में जाके हुआ था, तो वो ये मेरवाड़ा है, ठीक है। मेवाड़ और मारवाड़ के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? मेरवाड़ा कहलाता है। और इस मेरवाड़ा की क्या है? यहीं पे पहाड़ियां हैं, अजमेर, अजमेर और राजसमंद, राजसमंद के मध्य फैली हुई
पहाड़ियों को क्या बोला जाता है? अजमेर और राजसमंद के मध्य फैली हुई पहाड़ियों को ही आपके क्या बोला जाता है? ये बोला जाता है आपके मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ। ठीक है, ये मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ आपके समझ में आ गई होंगी मुझे लगता है, एक बार आप देखेंगे और समझ में आ जाएंगे। ठीक है, मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ सबसे पहले हमने पढ़ा भाकर, फिर गिरवा, फिर देसरो। देसरो के बाद में हम पढ़ रहे थे कि अभी मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ, और अब पढ़ेंगे हम कौन सा आपके बीजासन की पहाड़ियाँ। क्या पढ़ेंगे? बीजासन की पहाड़ियाँ। ठीक है, बीजासन की पहाड़ी, बीजासन की पहाड़ियाँ ये कहाँ पर है? ये आपके है मांडलगढ़, मांडलगढ़, मांडलगढ़ से लेकर भीलवाड़ा तक, भीलवाड़ा तक कौन सी फैली हुई है आपकी? बीजासन की पहाड़ियाँ फैली हुई। तो ध्यान रखें, बीजासन की पहाड़ियाँ कहाँ हो जाएगी? बीजासन की पहाड़ियाँ हो जाएगी आपके मांडलगढ़ से भीलवाड़ा तक। ठीक है, उसके बाद में बात करो सुंड पहाड़ी। सुंड पहाड़ी, सुंड पहाड़ी कहाँ पर है? सुंड पहाड़ी मतलब कि सुंदा माता जालोर, पहला रोप पे, राजस्थान का पहला रोप पे सुंदा माता जालोर, तो वहीं पर है वह सुंड पहाड़ी पर ही सुंदा माता का मंदिर है। ठीक है, तो सुंड पहाड़ी कहाँ पर हो जाएगी? जालोर में। ठीक है, ध्यान दें इस बात पर कि यहाँ पर पहला रोपवे खुला था और सुंदा माता मंदिर कहाँ पर है? जालोर में है। ठीक है, फिर मैं बात करूँ नैना पहाड़ी। नैना कौन से? चलाओ ना नैनों से बाण रे, जान ले लो ना जान रे, वही नैना। तो नैना पहाड़ी कहाँ पर है? नैना पहाड़ी आपके ये है नैना पहाड़ी भरतपुर। नैना कहाँ है? भरतपुर, नैना पहाड़ी भरतपुर। ठीक है, उसके बाद में बात करूँ आपके भामती पहाड़ी। भामती पहाड़ी, भामती पहाड़ी कहाँ पर है? आपके बारा में। बारा में जो शाहबाद दुर्ग है, शाहबाद का जो किला है, वहीं पर है ये भामती पहाड़ी। भामती पहाड़ी पर ही शाहबाद दुर्ग बना हुआ है। ठीक है, फिर मैं बात करूँ आपके कौन सी? देवगिरी, देवगिरी पहाड़ी। देवगिरी पहाड़ी कहाँ है? दौसा में। कहाँ पर है? देवगिरी पहाड़ी दौसा। ठीक है, फिर मैं बात करूँ आपके नानी सीरड़ी, नानी सीरड़ी पहाड़ी। नानी सीरड़ी पहाड़ी ये कहाँ पर है? नानी पाली। कहाँ पर है नानी? नानी कहाँ पर है? सोजत, सोजत पाली में स्थित है कौन सी? नानी सीरड़ी पहाड़ी। नानी सीरड़ी पहाड़ी कहाँ पर है? सबसे पहले बीजासन पहाड़ी मांडलगढ़ से भीलवाड़ा, फिर मैं बात करूँ सुंड पहाड़ी जालोर, नैना पहाड़ी भरतपुर, भामती पहाड़ी बारा, देवगिरी पहाड़ी दौसा, नानी सिरडी पहाड़ी सोजत पाली। ठीक है, फिर मैं बात करूँ आपके चंद्रावती। एक क्षेत्र आता है कौन सा? चंद्रावती, चंद्रावती, चंद्रावती किसे बोला जाता है? चंद्रावती आपके सिरोही को बोला जाता है। ठीक है, ध्यान रखे चंद्रावती में क्षेत्र कौन सा आएगा? सिरोही का माउंट आबू के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है आपके? ये कहलाता है चंद्रावती। फिर मैं बात करूँ आर्बुद प्रदेश। कौन सा? आर्बुद प्रदेश, आर्बुद या अर्बुदा, अर्बुदा प्रदेश ये कौन सा है गुरुजी? देखिए ये कौन सा है आर्बुद या अर्बुदा प्रदेश? देखिए ये कौन सा है? ये आपके एक मंदिर है कौन सा? सिरोही में माउंट आबू क्षेत्र में कौन सा? अर्बुदा चल माता का, अर्बुदा चल माता का मंदिर है। उसके आसपास का क्षेत्र, अर्बुदा चल माता मंदिर के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है? ये आपके कहलाता है कौन सा? अर्बुदा प्रदेश। ठीक है, कहाँ पर है? सिरोही में है। ठीक है, कहाँ पर है? सिरोही में है। ध्यान रखें सिरोही में अर्बुदाचल प्रदेश, चंद्रावती और भाकर ये आपके कहाँ पर है? सिरोही में। ठीक है, फिर मैं बात करूँ यहीं पर किसके बारे में? मछला मगरा। क्या है? मछला, मछला मगरा। क्या है मछला मगरा? मगरा, मछला मगरा ये क्या है? उदयपुर में, उदयपुर में मछली के आकार की फैली हुई। मैंने बताया कि सर्वाधिक विस्तार किस में है? सर्वाधिक विस्तार वाला जिला है उदयपुर।
तो सारी चीजें ज्यादातर किससे संबंधित आ रही है, उदयपुर से संबंधित। न्यूनतम विस्तार किसमें है, अजमेर में, अजमेर से संबंधित मेरवाड़ा की पहाड़ियां केवल, ठीक है। तो मछला मगरा मतलब कि मछली के आकार में फैली हुई पहाड़ियां किसकी, मछली के आकार में फैली हुई पहाड़ियां किसकी, आपके उदयपुर की, क्या कहलाएंगी, क्या कहलाएंगी, मछला मगरा कहलाएंगी, ठीक है। फिर मैं बात करूं, तीन और चीजें हैं, कौन कौन सी, एक तो आपके हो जाएगा कौन सा, ईगल पहाड़ी, ईगल मतलब होता है बाज, ईगल पहाड़ी, ये कहाँ पर है ये बताऊंगा मैं आपको, ईगल पहाड़ी, बीजक पहाड़ी, बीजक पहाड़ी, और फिर एक और है कौन सी, चिल्ल का टीला, चिल्ल का टीला, ये तीनों कहाँ पर है, ये है आपके जयपुर में, कहाँ पर है, जयपुर में। ध्यान दें, ईगल पहाड़ी, बीजक पहाड़ी और चिल्ल का टीला, चिल्ल का टीला कैसे बोला जाता है, ये बोला जाता है आपके नाहरगढ़ को, नाहरगढ़ जयपुर को, नाहरगढ़ दुर्ग कहाँ पर है, जयपुर में है, तो उसे क्या बोला जाता है आपका, चिल्ल का टीला, मतलब चिल्ल के टीले पर बना हुआ है दुर्ग, तो उसे बोला जाता है चिल्ल का टीला, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और आपको ऐसे ही वीडियो अगर पाने हैं, ऐसे ही वीडियो ज्योग्राफी से संबंधित, आपके राजस्थान से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिकों से संबंधित, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, और बेल को आइकॉन को हिट करें ताकि आपको नोटिफिकेशन वगैरह जो है वो मिलते रहें, ठीक है। ओके, बाय, टाटा, थैंक यू।